तोशाखाना केस है, अभी देखा इसमें रिलीफ नहीं मिला अभी और अगले हफ्ते तक ये अभी टल गया है, तो क्या ये केस सितंबर तक जाता दिखाई देता है? बहुत से लोग डिस्कशन कर रहे हैं या कोई फैसला अगले हफ्ते तक आने का इम्कान है? अब हमने देखा नहीं, अमजद परवेज साहब जो है वो बीमार हो गए और लतीफ खोसा साहब शदीद बरहम हो गए, इस पर भी तबसरे हो रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप आगे? मेरा ख्याल है कि इन हालात में जो खोसा साहब की जो बरहमी है वो जायज है, क्योंकि ये 3 साल सजा है और हम इसको कानून की सजा, अच्छा कह रहे जायज है बरहमी और शॉर्ट, क्योंकि 3 साल सजा है और इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं इसको। अब मैं सिर्फ एक चीज, एक मिनट लूंगा आपका, कि एक सजा जी, हुई प्लीज, सजा वो गलत हुई सही हुई जो भी हुआ उसकी अपील प्रोवाइडेड है कानून में, अपील फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने नोटिस एडमिट किया, नोटिस जारी किए रेस्पॉन्डेंट को जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, उस अपील के अंदर एक एक पिटीशन थी जिसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में बेल कहा जाता है, तो उसको उस बेल की जब समाप्त होती है तो उसमें जो एविडेंस होती है उसको डिस्कस नहीं किया जाता, उसको आर्गू नहीं किया जाता, बल्कि जो जजमेंट है उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, जो उसमें डेफिशिएंसीज हैं या जो उसमें एरर हैं उनको आर्गू किया जाता है, और शॉर्ट सेंटेंस की अमूमन जो बेल है वो पहली तारीख पे हो जाती है और हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी डिमांड यही है कि इसकी हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिले हो रहा है ये शायद कुछ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिपास से उनकी वजह से दबाव का शिकार हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो ये नहीं पब्लिक को इम्प्रेशन देना चाहते कि हमने सुप्रीम कोर्ट के तो उसमें दबाव में आके ये फैसला किया है। शायद ये हो, मैं बड़े अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इतना लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन अगर बनती है तो कर देनी चाहिए, 3 साल सजा है, इसमें कोई ऐसी इम्पिक्यूटी है कोई नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।